तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब, मार्केट में ये एक न्यूज क्या घूमती नजर आ रही है कि डंकी के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, पूरे छह टीजर आने वाले हैं। भाई तबाही हो जाएगी अगर ऐसा हो गया तो। खैर, टीजर को टीजर ना बोल के ड्रॉप वन कहा जा रहा है, तो ड्रॉप वन, ड्रॉप टू, देन ड्रॉप थ्री, फोर, फाइव एंड सिक्स, पूरे छह ड्रॉप देखने वाले। मतलब मार्केटिंग का एक अलग ही तरीका है, नेक्स्ट लेवल मार्केटिंग। भाई वही चीज़ ना कि शाहरुख खान जो बिजनेसमैन वाला शाहरुख खान है ना, जब ये एक्टिव होता है तो भयंकर एक्टिव होता है। जवान के टाइम पर हमने देखा प्रीव्यू, एक ऐसा वर्ड, एक ऐसी चीज़ें सुनने में आई जो ना टीजर इस्तेमाल किया, सीधे प्रीव्यू देन ट्रेलर। और उसके बाद अब डंकी के लिए देखो ना, ड्रॉप वन, देन ड्रॉप टू, पूरे ड्रॉप सिक्स, ऐसे छः टीजर आने वाले हैं और सॉलिड लेंथ होने वाली है सभी की। अराउंड में जैसे कल का था कि 1 मिनट 47 सेकंड के आसपास, तो ऐसे ही सारे टीजर होंगे। कोई 1 मिनट 20 सेकंड, कोई 1 मिनट 30 सेकंड, 1 मिनट 40, तो इसी के अराउंड ये सारे टीजर होने वाले हैं। तो ऐसा मार्केटिंग का एक नेक्स्ट लेवल तरीका चल रहा है। साथ में जो राजकुमार हिरानी, ये जो माइंडेड, सुपर माइंडेड पर्सन इसके साथ जुड़ा है, आई थिंक ये इन्हीं की खुराबात ही हो सकती है कि भाई अपनी मूवी का जो बज बनाना है ना, जो हाइप बनाना है 22 दिसंबर तक आते आते, ये सॉलिड स्ट्रैटेजी है इनकी। लेकिन दूसरी तरफ ये क्या सुनने में आ रहा है कि भाई साहब सालार अगेन पोस्टपोन हो रही है। ये खुराबात ही न्यूज कहाँ से निकल के आ रही, फिलहाल ऑफिशियली ये कहीं से भी नहीं आया है। लेकिन हाँ, जब ऐसा कुछ होता है, एक सुपरस्टार की फज जब बहुत हाई निकल जाती है, तो फैंस की खुरापाती हरकतें शुरू हो जाती हैं। फिलहाल के लिए अंदरूनी सोर्सेज, ट्रस्टेड सोर्स से ये भी सुनने में आ रहा है कि भाई साहब सालार एक्चुअली पोस्टपोन इसलिए भी हो रही है क्योंकि इनका पोस्ट प्रोडक्शन में काम खत्म नहीं हुआ है, कुछ एक एडिटिंग बची है। एंड प्रशांत नील डायरेक्टर चाहते हैं कि कुछ एक शूट सीन्स जो हुए हैं वो रीशूट करे जाएंगे। तो एट दैट टाइम प्रभास अवेलेबल नहीं है, शायद किसी प्रोजेक्ट में बिजी हैं या फिर वो आउट ऑफ द कंट्री हैं। दैट्स वाई कि उन्हें ये मूवी को पोस्टपोन करने की जरूरत पड़ रही है फिलहाल। लेकिन ये ऑफिशियली कहीं पर भी नहीं है, तो आप इसे ऑफिशियल मत मान लेना। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है भाई, अगर सालार पोस्टपोन हो जाती है, तो डंकी की चांदी चांदी हो जाएगी, और बिल्कुल हो जाएगा। क्योंकि जो क्रिसमस का वीकेंड मिलने वाला है ना, 10 दिन का, भाई 10 दिन क्यों बोल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि देखो 22 दिसंबर को मूवी आ जानी है, 24-25 दिसंबर को क्रिसमस का हॉलीडे चलना है, देन उसके एक आध दिन बाद सैटरडे संडे आ जाएगा, देन 31 दिसंबर का जो सेलिब्रेशन होता है वो एज हॉलीडे ही सेलिब्रेट किया जाता है, न्यू ईयर का डे हो गया सेलिब्रेशन, उसके 2-3 तारीख में फिर सैटरडे संडे आ जाना है। तो भाई ये पूरे 10 के 10 दिन फुल हॉलीडे मिलने वाले हैं, जिससे डंकी को पूरा फ़ायदा मिलेगा। मतलब पूरी फैमिली खाली रहेंगे और उन्हें एंटरटेनमेंट के पर्पज़ के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, और सामने डंकी होगा जो लगातार प्रमोशन पे प्रमोशन कर रहे हैं। और तो व्हाट इज़ द स्ट्रेटजी बिहाइंड इट, बहुत फाड़ू स्ट्रेटजी होने वाली है। देखो, अगर ये 6 ड्रॉप लाने वाले हैं, 6 टीजर लाने वाले हैं, इट मीन्स ये कि यहाँ पर ट्रेलर कोई नहीं आना है, लेकिन जो लास्ट का ड्रॉप होगा, ड्रॉप 6, उसमें ये 5 ड्रॉप को एक साथ दिखा के पूरा एक ट्रेलर के रूप में दिखा देंगे आपको 8 से 10 दिन पहले, अराउंड 10 या 11 दिसंबर के आसपास। बीच में 2-3 सॉन्ग्स भी लाएंगे, तो भाई प्रमोशन मूवी का लगातार चलेगा। अभी मूवी को रिलीज होने के लिए 48 से 49 दिन बचे हैं, और 48 से 49 दिन हर दिन हमें डंकी सुनाई देने वाला। दूसरा, अगर ये इतने सारे टीजर्स हैं, तो इन्हें रिलीज करने की बेस्ट टाइमिंग क्या होगी? मेरे हिसाब से मैं बताऊं तो 8-8 दिन का गैप बहुत सूटेबल रहेगा। जैसे कल जो ड्रॉप वन रिलीज हुआ है, अब 8 दिन बाद ड्रॉप टू, देन 8 दिन बाद ड्रॉप थ्री, देन अगेन 8 दिन बाद ड्रॉप फोर, तो ऐसे ही करते करते ये ड्रॉप 6 तक पहुंच जाएंगे, और अराउंड 11 या 12 दिसंबर को ये लास्ट ड्रॉप अपना फेंक देंगे, ड्रॉप 6 के रूप में आएगा, और उससे पहले 2-3 सॉन्ग्स और आ जाएंगे। तो भाई साहब, पब्लिक की नज़र में डंकी हमेशा अवेलेबल रहने वाली है। लेकिन एक चीज़ वो निकल के आ रही कि भाई ये सारा कुछ स्पॉइल ना हो जाए, क्योंकि इतने सारे कंटेंट आ जाएंगे मूवी से रिलेटेड, फिर सॉन्ग्स आएंगे, तो कहानी ना लगभग पता चल जाएगी कि होने क्या वाला है, एक्चुअल मूवी में आखिर होने क्या वाला है, तो ये चीज़ रिवील हो जाएगा। तो भाई मार्केटिंग स्ट्रेटजी सुपर डुपर है दोनों की तरफ से, रेड चिली एंटरटेनमेंट की प्रोडक्शन हाउस की तरफ से, जिसके ओनर खुद शाहरुख खान है, और राजकुमार हिरानी की तरफ से। मतलब इन दोनों की जो सुपर स्ट्रेटजी निकल रही है, ये बिल्कुल सफल होने वाली है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी में बज बनाने के लिए शुरू से लेकर लास्ट तक ये पूरा हाई बज रहेगा उस टाइम तक। लेकिन इस बीच अगर मूवी से बहुत कुछ कॉन्टेंट रिवील हो जाता है, तो आखिर बचेगा क्या देखने के लिए? तो यहाँ कहानी कुछ ख़राब हो सकती है। लेकिन नाम राजकुमार हिरानी जुड़ा है और शाहरुख खान जुड़ा है, तो ये लोग इतनी बेवकूफ़ी तो नहीं कर देंगे कि भाई सब कुछ टीजर में ही रिवील कर देंगे या ड्रॉप्स में ही रिवील कर देंगे। फिलहाल के लिए देखते हैं क्या होता है। लेकिन भाई सालार पोस्टपोन ना हो तो ही बढ़िया है, अगर ये बार बार ऐसे ही पोस्टपोन होते रही तो भाई ये
जनता को, फैंस को सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं और इनके लिए बहुत घातक होने वाला है। देखो 28 सितंबर इनके लिए बेस्ट डेट थी रिलीज करने के लिए, लेकिन उस टाइम पर भी नहीं किया, बोला पोस्ट प्रोडक्शन में काम नहीं हुआ है, दिसंबर में पहुंचा दिया। अभी फिर बोल रहे हैं पोस्ट प्रोडक्शन में काम नहीं हुआ है, मूवी ढंग से इनकी मूवी बनी ही नहीं है और ये बार बार बच बनाए जा रहे हैं कि भाई हम रिलीज कर रहे हैं। तो आई डोंट नो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, शायद ये न्यूज फेक हो, और फेक हो तो ही अच्छी बात है, हमें मूवी जल्द ही चाहिए क्योंकि सलार के लिए भी बहुत वेट है। फिलहाल मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।